कार्तिक कार्तिक फोन रखो नीचे। हाँ जी पापा। बोर्ड की तैयारी कैसी चल रही है? ठीक चल रही है। माँ आप बात करो ना पापा से। तू क्यों इतना घबरा रही है बेटा, तू जाके पूछ लेना। देखो ट्वेल्थ के बोर्ड हैं और हमें काफी उम्मीद है तुमसे, जरा ढंग से पढ़ाई कर लेना। हाँ। और सुनो किसी चीज की जरूरत हो तो बोल देना। ठीक है ठीक है। हाँ ये ले पापा के लिए खाना भी ले जा और जा पूछ जा, जा बा। हाँ? हाँ। पापा वो 5,000 रुपये चाहिए थे। 5,000 रुपये क्यों? वो MBA के लिए पढ़ रही हो ना तो कुछ बुक्स खरीदनी है। तो ऑनलाइन पढ़ाई कर लो ना, अब एक एग्जाम के लिए इतना खर्चा करने की जरूरत क्या है? पापा ऑनलाइन है नहीं वो स्टडी मटेरियल। कृतिका देखो हम भोपाल से दिल्ली शिफ्ट हुए, इसका मतलब नहीं कि हमारे पास बहुत सारे पैसे आ गए। ठीक है सैलरी बढ़ गई है लेकिन खर्चे भी तो बढ़ गए हैं ना, अवॉइड कर सकती हो तो कर लो। और मुझे तो समझ नहीं आता कि तुमने ये MBA की रट लगा क्यों रखी हुई है। पापा 4-5 ही एग्जाम्स है, ट्राई तो कर सकती हूँ ना। शादी नहीं करनी क्या? हर रोज नए रिश्ते आ रहे हैं, 25 साल की उम्र हो गई है तुम्हारी। रेखा अरे भाई समझाओ अपनी बेटी को ये क्या इसने MBA करनी है, MBA करनी है। नेहा वो नोट्स की फोटो भेज देगी मुझे क्या? तूने बुक्स क्यों नहीं ली अभी तक? यार नहीं ले पाई, प्लीज भेज देना। अच्छा ठीक है भेजती हूँ। कृतिका कृतिका फोन दो मेरा। अच्छा सुन तू ना भेज दियो, मैं तुझसे बाद बात करती हूँ। बाय। सारा दिन जब देखो बस फोन पे ही लगी रहती हो तुम। और सुनो ये जो ये मोबाइल पे मेल वेल जो आती है इसको कैसे चेक करते हैं? सब कुछ डिजिटल हो गया, मुझे तो कुछ चेक करना ही नहीं आता। अब यहाँ से इस वाले फोल्डर में जाओगे ना तो यहाँ आप मेल चेक कर सकते हो। अच्छा अच्छा ठीक है। और सुनो सुनो जब किसी मैसेज को हमने व्हाट्सएप पे अगर फॉरवर्ड करना है वो कैसे करते हैं जरा बताओ उसको? बटन वाला फोन ही अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं होती थी इसमें। पापा आपको कल समझा दूं, कल सुबह ना मेरा पेपर है, आप कार्तिक से पूछ लो ना। अच्छा जी मतलब MBA का एडमिशन जो है वो बोर्ड के पेपर से ज्यादा जरूरी हो गया क्या? क्या हो गया जब देखो डांटते रहते हो। अब तुम्हारी माँ भी तो ग्रेजुएट है ना, कुछ कमी है उसकी जिंदगी में? सब सुख सुविधाएं दे रखी है ना उसको, पर जब से तुम शहर में आए हो तुम्हें ज्यादा ही हवा लग गई है। पापा मैं बस इतना कह रही हूँ कि मैं आपको कल ढंग से समझा दूंगी, एक दिन तो दे सकते हो ना मुझे पढ़ने के लिए। कृतिका जाओ बेटा अपने कमरे में। मां कृतिका समझा दो अपनी बेटी को कि ज्यादा हवा में मत उड़े। क्या बोला है उसने? यही बोला है ना कि उसका पेपर है कल। ज्यादा तरफदारी मत करो उसकी, दिल्ली ना आई होती तो 2 साल पहले उसकी शादी हो गई होती और 1 साल का बच्चा उसकी गोद में होता। औरतों को घर का काम करना ही शोभा देता है ना कि जुबान चलाना। सब देखो पेपर पेपर पेपर। अरे आ गए आप दोनों। कैसा पेपर हुआ बेटा? क्या बताएगी वो, तुम्हें उसकी शक्ल देख के नजर नहीं आ रहा कि पेपर कैसा हुआ होगा। तो ना अरे मेरी मानो तो उसको बोलो कि अब ये लिखाई पढ़ाई छोड़ दे, कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढ ले और सब छोड़ के घर पे बैठे तुम्हारी काम में मदद करे और भाई को पढ़ाई करे। पापा आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या मुझसे? या प्यार नहीं करते मुझे? पागल हो गई हो क्या? कृतिका सब छोड़ दे बेटा ये छोड़। आपने कार्तिक को सब कुछ दिला रखा है, सारी बुक सब कुछ है उसके पास, तब भी वो पढ़ाई नहीं करता, पर आपको उससे सारी उम्मीद है,
मैंने आपसे 5,000 रुपए मांगे थे अपनी एमबीए की बुक्स के लिए, ताकि मैं पढ़ सकूं, अपनी लाइफ में कुछ कर सकूं। आपने कभी मुझसे पूछा कि मैं क्या करना चाहती हूँ लाइफ में, या बस मेरी शादी कराना आपका जिंदगी का एक मकसद है? घर के काम करो, बर्तन धो, कपड़े प्रेस करो, ये सब करने के बाद 1 घंटा मिलता था मुझे पढ़ाई करने का, उसमें भी आपको प्रॉब्लम थी। काश आपने कार्तिक को भी कभी कुछ बोला होता। कृतिका छोड़ बेटा, अब सब छोड़ जा। नहीं हुआ मेरा पेपर अच्छा माँ, पर अभी 3 पेपर और बचे और उसके लिए मैं पढ़ूंगी और अच्छे से दूंगी। और आप पूछ रहे थे ना माँ के पास क्या कमी है, कमी है आवाज की, जो ना आपने कभी उठाने दी और ना उन्होंने कभी उठाई। आप सबको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। हमारे समाज में आज भी कुछ ऐसे परिवार हैं जहां लड़कियों के साथ भेदभाव किया जाता है, उन पर शादी का दबाव बनाया जाता है, उनको घर का काम करने के लिए बोला जाता है या उनको नौकरी छोड़ने के लिए बोला जाता है। अगर आपका भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब टू लाइफ तक।